हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद फैब्रिकेशन और मैं हूं ज्ञानचंद। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक पलिया दरवाजा कैसे बनाया जाता है, उसका जिससे फ्रेम कितना कम करके साला जाता है, साथ ही साथ उसमें जो पल्ला बैठाया जाता है वो कितना जैसे कम करके बनाया जाता है, उसके बाद चादर कैसे जैसे दबाया जाता है, इसके बारे में मैंने A to Z जानकारी दी है। और वीडियो फ्रेंड्स ये करीब करीब 46-47 मिनट का होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरे इत्मीनान से देखें और फ्रेंड्स आप लोग इसे 10 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स कि यदि आप 10 सेकंड के लिए स्किप करें और कोई महत्वपूर्ण आप लोग जानकारी मिस कर दें। दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि आप लोग जब कोई वीडियो देखते हैं तो उसको देखने के बाद आप लोग कुछ कमेंट करते हैं, तो जब मैं पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि आप लोग वही कमेंट करते हैं जिसका जवाब मैं ऑलरेडी वीडियो में दिया रहता हूं, और ये प्रश्न वही बंदे पूछते हैं जो ऑलरेडी वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को शुरू सीरियल का लास्ट तक जरूर देखें और मैं मिलूंगा वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, जिस क्लाइंट का हमें गेट बनाना है वो देखिए, उसका साइज मैंने यहाँ पर जैसे कि लिख लिया है, जिसकी जो है कि हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक पूरी 7 फीट है और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई है वो जैसे कि 42 इंची है। तो अब फ्रेंड्स, जब मैंने साइज ले लिया तो अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन आती है फ्रेंड्स, जैसे कि जब भी किसी क्लाइंट का जब हम लोग ये गेट बनाते हैं तो दो कंडीशन आती है। पहला तो ये कि जैसे दीवार पहले से ही तैयार रहती है अगल बगल जैसे, और हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर जो जगह छोटी होती है उसी हिसाब से जैसे कि नाप करके पल्ला को बनाते हैं। और दूसरा ये भी होता है फ्रेंड्स कि जैसे अभी दीवार तैयार नहीं होती है, जब हम लोग गेट बना करके दे देते हैं तो वो राजगीर जैसे अपने हिसाब से जाम करते हैं। तो ये जो क्लाइंट का मैं गेट बना रहा हूं फ्रेंड्स, उनका दीवार पहले से ही तैयार है, यानी कि जगह पहले से छोटी हुई है, अब उसके अंदर मुझे गेट जो है कि बनाना है, उसके लिए मैंने ये साइज नोट किया है। अब ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन एक बात और आती है फ्रेंड्स, वो ये आती है कि जो पल्ला हम क्लाइंट का बना रहे हैं वो जैसे कि फ्रेम में बना रहे हैं, मतलब होता है ना कि पहले फ्रेम रहता है और उसके बाद उसके अंदर कब्जा पर पल्ला हम लोग लगाए रहते हैं, पहला वो होता है। और दूसरा ये होता है फ्रेंड्स कि हम बिना फ्रेम का बना रहे हैं, मतलब कि सिर्फ पल्ला है, जैसे कि पल्ला बन गया और उसमें जैसे बुश नहीं लगा होता है, बुश लगा होता है, बुश पर बनाते हैं तो होल फांस जो है कि दीवार में जाम हो जाता है, दूसरा वो भी होता है। तो ये जो है जिस क्लाइंट का मैं बना रहा हूँ ये जो है फ्रेम में है, यानी कि पहले ये फ्रेम साला जाएगा, उसके अंदर जो है कि ये पल्ला रहेगा, मतलब उसके अंदर पल्ला रहेगा। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि चलिए ठीक है, मान लीजिए कि ये जो पल्ला है वो फ्रेम में बनाना है, तो भैया ये जो एंगल है ऊपर वाला फ्रेम वाला, तो वो कौन सा एंगल लेंगे और उसके अंदर जो पल्ला बैठाएंगे वो कौन सा एंगल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप फ्रेम वाले एंगल यदि 2 इंची का ले रहे हैं तो उसमें जो पल्ला बैठाना होगा उसे आप लोग 1.5 इंची का लीजिएगा। कितना लीजिएगा? 1.5 इंची वाला। यदि आप लोग 1.5 इंची के एंगल में इस फ्रेम को सालिएगा तो उसके अंदर 1.25 इंची का एंगल लगाइएगा, किस लिए? पल्ला के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ऐसा क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस क्लाइंट का बना रहा हूँ, साइज तो बता ही दिया, उनका जो है कि पल्ला देखिए मैं बनाऊंगा किसमें? 2 इंची के एंगल में फ्रेम सालूंगा, यानी कि 2 इंची के एंगल में फ्रेम सालूंगा और इसमें जो पल्ला बैठाऊंगा वो 1.5 इंची के एंगल में बैठाऊंगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया जो है कि 2 इंची के एंगल में यदि हम फ्रेम बना रहे हैं तो क्या हम पल्ला भी 2 ही इंची के एंगल में नहीं बना सकते? तो देखिए फ्रेंड्स, बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी। क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो मैं बताता हूँ। देखिए 2 इंची का एंगल ये भी है, 2 इंची का एंगल ए भी है। तो मान लीजिए अगर मैंने फ्रेम 2 इंची के एंगल में बना दिया, अगर 2 ही इंची के एंगल में मैं उसमें पल्ला भी बना दिया, तो दिक्कत नंबर 1 क्या होगी कि जब हम लोग उसमें पल्ला लगाएंगे तो पहले तो ये उठेगा। देखिए होता क्या है कि जिस एंगल में हम लोग फ्रेम सालते हैं अगर उसमें पल्ला बनाते हैं तो करीब करीब इधर से उतना उठने लगता है, और फ्रेंड्स सामने से भी चूंकि उतना ही निकलेगा, तो जब पल्ला और रहेगा ना फ्रेंड्स तो कम से कम इतना निकला नजर आएगा। लेकिन अगर 2 इंची के एंगल में अगर हम 1.5 इंची का जैसे कि अगर पल्ला बैठाते हैं तो ये देखिए खुद अंदर चला जाता है,
ये देखिए इसके अंदर चला जाता है पहली बात। तो ये होता क्या फ्रेंड्स कि जब इसमें पल्ला बैठ जाता है तो सामने से देखने पर नजर नहीं आता, यानी कि लगता ही नहीं कि इसमें पल्ला बैठाया गया है। ये होता है फ्रेंड्स अच्छी तरह से पहली बात। और दूसरी बात ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे इसमें जब हम लोग कब्जा बैठाते हैं ना, तो ये कब्जा भी जैसे अच्छी तरह से सेटिंग हो जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स जब भी हम लोग बनाते हैं ना, तो जिसमें फ्रेम बनाते हैं तो पल्ला जो है उसमें से कम के एंगल में बनाते हैं, इसीलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि यदि मान लीजिए मैं ये फैसला लिया होता कि मैं 1.5 इंच के एंगल में इनका फ्रेम बनाऊंगा, तो मैं क्या करता कि इसमें जो पल्ला बैठाता वो किसमें बैठाता, वो 1.25 इंच के एंगल में बैठाता, यानी कि 1.25 इंच के। देखिए यहाँ जो देखिए कितनी अच्छी तरह से बैठा, ये देखिए ये 1.5 इंच का एंगल है, ये 1.25 इंच का एंगल है। तो जब मैं इसको इसमें बैठा रहा हूँ तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बैठ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर यही मैं अगर 1.5 इंच के एंगल में ही अगर 1.5 इंच का अगर मैं बैठा देता तो देखिए क्या रिजल्ट आता, ये देखिए कितना बाहर निकला है, देखिए ये इतना बाहर निकला है 0.5 इंची। तो फ्रेंड्स यही दिक्कत होती है और कब्जा बैठाने में भी दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि यदि आप लोग 2 इंची के एंगल में फ्रेम बनाएंगे तो उसमें का पल्ला जो है कि 1.5 इंची में बनाएगा। यदि आप जैसे कि 1.5 इंची के एंगल में फ्रेम बनाएंगे तो 1.25 इंची के एंगल में आप लोग क्या बनाएगा, पल्ला बनाइएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए। तो फ्रेंड्स अगर इतनी बात मेरी समझ में आपको आ गई होगी तो अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा फ्रेंड्स कि जो इसकी ऊंचाई है, चूंकि आपने 7 फीट लिख रखा है, तो ये अगल बगल वाला एंगल हम लोग कितना बड़ा काटें और ऊपर वाला एंगल कितना बड़ा काटें और नीचे जो होता है फ्रेंड्स वो छड़ लगता है, तो वो छड़ हम लोग कितना बड़ा काटें। तो देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि यदि आपका मन करेगा कि मैं अगल बगल होल फांस, क्योंकि फ्रेंड्स जो ऊपर का एंगल काटा जाता है वो होल फांस को ध्यान में रख के काटा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है इसमें खच लगा रहता है और इसमें जो है कि एंगल को कुछ इसी प्रकार से पिलाया जाता है ऊपर वाले एंगल को, तो होल फांस जो है कि ये कुछ होल फांस में काम करता है। इसीलिए फ्रेंड्स तो अब आपकी मर्जी करेगी कि भैया मैं, चूंकि ये 42 इंची है और आपकी मर्जी करेगी कि भैया मैं 2-2 इंची अगल बगल होल फांस निकालना चाहता हूं, तो ये 42 इंची है तो इसमें 4 इंची जोड़ लीजिएगा। यदि आप लोग कहेंगे कि मैं 3-3 इंची निकालना चाहता हूं तो आप लोग 42 में 6 जोड़ लीजिएगा। कुछ इसी प्रकार से करके आप लोग ऊपर का एंगल काटिएगा। अब बगल की एंगल की बात करें फ्रेंड, तो ये चूंकि 7 फीट है ना, तो अब आपकी मर्जी करेगी, तो आप जैसे कि इसमें 7 फीट में आप लोग चाहेंगे तो 1 इंची या फिर 1.5 इंची या फिर 2 इंची बढ़ा करके काटिएगा। अब आप कहेंगे कि भैया बढ़ा करके क्यों काटना है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि भैया क्यों बढ़ा करके काटेंगे, सब कुछ बताऊंगा, इत्मीनान से वीडियो को देखिए। अब नीचे ये जो लगता है वो कितना कटेगा, तो चूंकि फ्रेंड्स ये जो 42 इंची है ना, तो ये जो 42 इंची है इसमें फ्रेंड्स 0.5 इंची कम कटेगा, यानी कि 42 इंची है ना तो 41.5 इंची कटेगा। तो फ्रेंड्स अब यहां पर देखिए, अब चूंकि ये एंगल मैं काटा हूं तो अब थोड़ा सा आपको नाप कर भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैंने इसे बढ़ा करके काटा था। देखिए वहां पर मैंने टेप लगाया और जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं तो ये देखिए ये पूरा आपका कितना आ गया, ये 7 फीट 1 इंच के आसपास आ गया, मतलब मैंने 1 इंची बढ़ा करके मतलब इस बड़े वाले एंगल को काटा है। अब आप कहेंगे कि क्यों बढ़ा करके काटा है, तो मैं पहले फ्रेम सजा लेता हूं उसके बाद आपको बताता हूं। तो दोस्तों अब आप लोग यहां पर देखिए, मैंने इस फ्रेम को कुछ इस हिसाब से व्यवस्थित कर दिया है जिसमें मुझे पल्ला बैठाना है। ये देखिए ये फ्रेम कुछ इस तरह से व्यवस्थित हो गया है। और फ्रेंड्स मैंने कितना पर बांधा है ये भी मैं आगे नहीं बताया था, लेकिन अब आपको बता देता हूँ। देखिए ये कितना था, 42 इंची था और ये कितना था, 7 फीट था। तो दोस्तों चूंकि जगह जो है कि पहले से छुटी है, मतलब दीवार तैयार है, इसीलिए फ्रेंड्स जब फुल साइज लिया जाता है ना तो उसमें हमें कुछ न कुछ कम करके फ्रेम को भी सालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे जो पल्ला बैठाएं वही कम करें, फ्रेम को भी फ्रेंड्स कुछ न कुछ कम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए मैंने क्या किया था, जब वो 42 था ना तो मैंने इस चौड़ाई को 0.5 इंची कम से कम मैंने कम कर दिया। देखिए जैसे वहां से मैं लगाया हूं तो ये देखिए 41.5 आ रहा है ना, मतलब मैंने 0.5 इंची कम कर दिया। अब 0.5 इंची मैंने इसलिए कम कर दिया फ्रेंड्स क्योंकि मान लीजिए अगर हो सकता है कि जब इस फ्रेम को उसमें लगाया जाए पल्ला सहित, तो मान लीजिए कहीं कोई ईटा अगर निकला हो तो जैसे कि इसको बैठने में दिक्कत ना करे, इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स ढीला रहेगा तो आराम से जाकर बैठ जाएगा, तो बाद में तो मिस्त्री अपने हिसाब से मसाला वसाला देकर के भर लेंगे। लेकिन
फ्रेंड्स अगर बड़ा हो जाएगा तो पता चलेगा कि दीवार को ही तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए फ्रेंड्स आधा इंची मैंने इधर से कम कर दिया और ऊपर से ऊपर तक पूरी 7 फीट पूरा फुल साइज था। तो देखिए नीचे फ्रेंड्स छड़ लगा है और ऊपर जो है कि एंगल लगा है। तो अगर मैं यहां से अगर आपको नाप कर दिखाऊं कि मैंने इस छड़ को कितना पर लगाया है, तो अंदर अंदर दूरी देखिए मैंने इसको भी बार बार देखिए 7 फीट है, लेकिन अंदर अंदर मैंने जो है कि आधा इंची कम कर दिया है। मतलब कि आधा इंची मैंने इसलिए कम कर दिया ताकि जो है कि ये पूरा तो कुर्सी में चला जाएगा, ये छड़ पूरा कुर्सी में चला जाएगा, इसके बाद जो है बकिया जो है कि उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा मतलब खड़ा करने के बाद। और ये देखिए बार बार 7 फीट है, मतलब आधा इंची मैंने यहाँ पर भी अंदर अंदर कम कर दिया और इस तरह से भी आधा आधा इंची मैंने कम कर दिया। आप लोग भी जब करिएगा अगर जैसे कि जगह पहले से छुटी रहेगी तब कम कर दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स अगर मान लीजिए जगह पहले से नहीं छुटी होती तब मैं क्या करता, पूरा फुल साइज बनाता। ये जैसे 42 है तो इसे पूरा 42 ही लेता, अगर ये 7 फीट है तो पूरा 7 फीट ही लेता, कहने का मतलब ये है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक बात और समझा देता हूँ, देखिए मैंने बड़ा करके क्यों काटा था, देखिए अब आप लोग देखिए ये थोड़ा थोड़ा इधर इधर निकला हुआ है, इधर का भी इतना और इधर का भी इतना इतना निकला हुआ है। फ्रेंड्स मैंने कहा था ना कि जैसे कि जितना भी साइज काटा जाता है उसे 2 इंची 2.5 इंची 1 इंची मतलब कि थोड़ा सा बढ़ा करके काटा जाता है। ये इसलिए काटा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि जब ये मिस्त्री खड़ा करेंगे इसे को तो जैसे कि ये कुर्सी के अंदर चला जाएगा, तो जब ये कुर्सी के अंदर चला जाएगा तो ये भी पूरा जैसे पकड़ बनाएगा, जैसे कि ये जो है ना आपस में जैसे जब पल्ला भारी रहेगा तो जैसे ये खींचने का कोई डर नहीं रहेगा, बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स बढ़ा करके किया जाता है कि ये कुर्सी में चला जाए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे थोड़ा सा बढ़ा करके क्यों काटा जाता है। और देखिए ऊपर का भी मैंने देखिए ये बढ़ा करके काटा, इसलिए आपको बताया था, देखिए 2.5 इंची इधर होलफांस, 2.5 इंची इधर होलफांस हो गया, मतलब कि ये जो है कि होलफांस का बढ़ा करके मैंने एंगल काटा था। और देखिए ये खच में जिस तरह से पीला हुआ है ना, देखिए ये वाला जो है कि एंगल में खच कटा था, तो देखिए ये बरोबर पीला है, यहाँ पर भी देखिए कुछ इस हिसाब से हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से होता है। और ये जो बाहर का फ्रेम होता है यहाँ पर भी फ्रेंड्स जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे होलफांस छोटा छोटा मतलब एंगल का टुकड़ा तो काट काट के यहाँ पर भी जोड़ देते हैं, ताकि 2-3 जगह जोड़ने का मतलब यह है कि जैसे दीवार में जब जाए ना तो फ्रेम अच्छी तरह से जाम हो सके, कुछ इस हिसाब से। और फ्रेंड्स जब फ्रेम साला जाता है तो मान लीजिए कि उधर की दूरी और इधर की दूरी इस तरह से और फिर ऐसे ऐसे मतलब दूरी जब बढ़ा ली जाती है मतलब अच्छी तरह से, तो फ्रेंड्स गोनिया भी देखा जाता है, मतलब यहाँ से टेप लगा करके वहाँ तक टेप ले जाइए, फिर जैसे कि यहाँ से टेप लगा करके वहाँ टेप ले जाइए। मान लीजिए कि अगर यहाँ से तीखा आप ले जा रहे हैं, अगर मान लीजिए 7.5 फीट हो गया करेक्ट, अगर यहाँ से अगर वहाँ तक 7.5 फीट रहेगा तभी ये करेक्ट गोनिया में होगा, अन्यथा फ्रेंड्स अगर कोई कम बेसी बताएगा तो ये गोनिया में नहीं होगा। तो गोनिया भी इसका निकाल लीजिए। कैसे निकाला जाता है, ग्रिल उरिल फ्रेंड्स जब मैं बनाना सिखा रहा था तो उसमें आप लोगों को बता चुका हूँ, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, गोनिया आप लोग निकाल लीजिएगा, उस वीडियो को भी देख लीजिए, जब ये वीडियो समाप्त होगा तो कंप्लीट आ जाएगा। अब मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ, पहले जैसे कि इस फ्रेम को अब मैं बांध लेता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस पल्ला को साल लिया, मतलब इसकी जो चौड़ाई 42 थी, मैं का जो पेपर पापर लोगों को दिखा रहा था उसे 41.5 और साथ ही साथ वहाँ से और वहाँ तक जो 7 फीट था तो उसमें 7 फीट में आधा इंची कम करके मैंने उसे मतलब कि जैसे कि पल्ला को साल लिया, मतलब आधा इंची लंबाई चौड़ाई कम करके मैंने इसे साल लिया। अब फ्रेंड्स बात आती है कि हम जैसे इसमें पल्ला को जैसे बैठाने के लिए मतलब अब पल्ला वाला जो एंगल काटा जाएगा वो कितना बड़ा काटा जाएगा, तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सलाह देता हूँ कि इसके नीचे वाले हिस्से में यहां पर देखिए मैं पहले से ही मार्किंग मार चुका हूं, मतलब 1 इंची 2 सूत पर पहले मार्किंग मार लीजिए, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स नीचे जो है कम से कम जब पल्ला होता है तो आप लोग देखते हैं कि थोड़ा सा गैपिंग होती है, तो वो गैपिंग कितनी होती है, कम से कम 1 इंची गैपिंग तो होनी ही चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमने यहां पर 1 इंची 2 सूत पर मारा है। तो अब आप कहेंगे कि भैया गैपिंग यदि 1 इंची सिर्फ रहेगी तो आपने 1 इंची 2 सूत पर क्यों मारा, तो फ्रेंड्स चूंकि 2 सूत पर मैंने इसलिए करके मारा क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि ऊपर जो उधर है उधर भी तो भैया कम से कम थोड़ी सी गैपिंग चाहिए, मतलब 2 सूत तो कम से कम उधर भी गैपिंग चाहिए, इसलिए 1 इंची 2 सूत करके मारा है ताकि जब ऊपर से हल्का सा 2 सूत नीचे कर दिया जाए तो जैसे 1 इंची ये हो जाए इसीलिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स अब हमें ये देखना है कि अब जो इसमें एंगल हम लोग अगल और बगल का काटने वाले हैं तो वो जैसे कितना बड़ा कटेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स कि उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर जो है कि टेप लगाएंगे इसके अंदर अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स पल्ला तो इसके अंदर ही रहना है ना, तो फ्रेंड्स क्या करना है कि जैसे इसके अंदर अंदर ले जाते हुए जहां पर मैंने मार्किंग मारा था वहां पर ले जाऊंगा, सुविधा के लिए पहले यहां से लेकर खींच लेता हूं, इसके बाद इसके अंदर यहां पर सटा दूंगा। तो पहले मैं खींच लेता हूं इसे पूरा, तो वहां पर देखिए मैंने वहां पर खींच लिया और इस मार्किंग के पास लिया दिया, तो उसे जरा मैं वहां से उतार लेता हूं।
आप लोग देख रहे हैं, पहले मैंने आप लोग देखिए उधर से मैंने उसे उतार करके आप देखिए अंदर कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये 82 इंची के आसपास आ रहा है, मतलब उसके अंदर जब मैंने लगाया तो यहाँ पर देखिए ये 82 इंची आ रहा है। यानी कि फ्रेंड्स हमें जो ये इंगल अगल और बगल वाला काटना है उसे कितना काटना है, उसे 82 इंची काटना है। और जब वो 82 इंची कट जाएगा तो पहले उस एंगल को फ्रेंड्स सीधा करके, मतलब कि 82 इंची का काट के सीधा करके, और फ्रेंड्स तब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर का जो और दूसरा जो एंगल लगेगा, जो जो पट वाला लगता है वो कितना बड़ा मतलब कि लगेगा। तो पहले चलिए मैं उसे अभी काट लेता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग देखिए मैंने यहाँ पर एंगल जो है कि जो काट लिया, मतलब अगल बगल का जो एंगल काट लिया। अगर मैं आपको टेप से नाप कर दिखा भी दूँ कि कितना था, 82 था ना, तो देखिए मैं यहाँ पर टेप लगाता हूँ और खींचते हुए ले जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 82 है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये देखिए मैंने एकदम एक्यूरेट 82 इंची काटा है। देखिए एकदम एक्यूरेट, मतलब ये दोनों 82-82 का एंगल कट गया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि अब इस एंगल को हम सबसे पहले उसके फ्रेम में अगल बगल रखेंगे। अगल बगल रखने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे गैप उसमें कितना दिया जाएगा और उसके बाद जो है कि बीच वाला एंगल कितना कटेगा। तो पहले मैं इसे उठाकर उसमें रख लेता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए हमने इसमें क्या किया कि एंगल रख लिया। देखिए यहाँ पर इस एंगल को कुछ इस प्रकार से इसमें लगा दिया है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं, और ये एक एंगल यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। क्योंकि फ्रेंड्स जब मैं ऊपर सटा कर रखा हूँ तो नीचे देखिए करीब करीब ये लगभग इतना गैप बता रहा है आपका, लगभग इतना। और जब वो दूसरा इधर आ जाएगा तो करीब ये घुसुक कर इधर आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा गैप हो जाएगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे इसमें हम गैपिंग कितना रखेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं, देखिए हमारे पास ये कब्जा है, ठीक है, 3 कब्जा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यही राय दूंगा कि आप जैसे एक पलिया दरवाजा बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है या तो कब्जा हमें इधर लगाना पड़ेगा या तो हमें उधर लगाना पड़ेगा। यदि दो पलिया बनाते हैं तो हमें दोनों ओर कब्जा लगाना पड़ता है। तो दोस्तों चूंकि मैं एक पलिया बना रहा हूं तो मुझे एक और ही जैसे कब्जा लगाना है। तो चूंकि फ्रेंड्स मैं पहले बता दूं इसे मैं कब्जा पर नहीं झुलाऊंगा, मैं पिन पर झुलाऊंगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि यदि आप जैसे कि इसमें गैपिंग देना चाहते हैं और अगर कब्जा लगाना चाहते हैं तो गैपिंग कितना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यदि आप लोग कब्जा पर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जिधर भी कब्जा लगेगा उस ओर को एंगल को थोड़ा सा घुसका करके पहले उसमें कब्जा डाल लीजिए। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, देखिए कुछ इस प्रकार से जैसे मैं कब्जा डाल रहा हूं, देखिए एक उधर हो गया, एक इधर और एक इधर, मतलब कि ये 3 कब्जा डाल करके मैं इसे इसमें चिपकाऊंगा, मतलब कि एंगल को चिपका दूंगा एकदम कि इसमें खूब बढ़िया से चिपक जाए। तो दोस्तों ये देखिए ये जैसे इधर का हिस्सा जैसे बढ़िया से चिपक गया। और इधर क्या करना है फ्रेंड्स, इधर देखिए मेरे पास ये 250 सूत वाली सरिया है, 250 सूत वाली सरिया है। तो इधर की गैपिंग देने के लिए मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं तामझाम नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। देखिए इधर इसे डाल करके इधर दबा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद जैसे कि इसके नीचे वाले हिस्से में भी इधर जैसे इसको कर करके थोड़ा, मतलब कि इसमें 250 सूत का सरिया डाल करके मैं इसे भी इस तरह से कुछ दबा दूंगा, इस तरह से मतलब गैपिंग जो है कि मेंटेन करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिधर कब्जा लगाना है उधर मैंने कब्जा डाला, और इसके बाद जैसे कि जिधर मुझे जो है कि गैप देनी है, मतलब जिधर बंद करना है उधर देखिए मैंने क्या किया है, उधर मैंने 250 सूत का सरिया डाल दिया है। ये जो है गैप जो है कि मेंटेन हो गया। अब फ्रेंड्स अब मुझे अब बहुत अच्छी तरह से जैसे कि ज्ञात हो जाएगी कि इसके बीच की अब दूरी कितना लेकर के हम इसके बीच का एंगल काटेंगे, मतलब देखिए बहुत आसान तरीका है। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा कि यहां से इसके अंदर से यहां से और यहां पर मैं टेप लगा करके इसकी दूरी को ज्ञात करूंगा कि इसकी दूरी कितनी आ रही है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे हाथ में टेप है और मैं इसे यहां पर इसके अंदर लगाऊंगा, मतलब इसके अंदर अंदर ही लगा करके दूरी ज्ञात करूंगा। तो मैं जरा सा इसे थोड़ा सा पकड़ लेता हूं और देखिए जैसे ही मैंने वहां पर उसके अंदर से लगाया, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दिखा पा रहा हूं फ्रेंड्स, ये देखिए करीब करीब 40 इंची में 2 सूत कम है, यानी कि 40 इंची में 2 सूत कम। यानी कि फ्रेंड्स इसके अंदर अब जो मुझे पल्ला लग काटना होगा वो 40 इंची में 2 सूत कम काटना पड़ेगा। तो अब क्या करूंगा कि उसे काट करके जैसे कि उसका मैं मिलाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब चूंकि मुझे ज्ञात हो गया कि इसके अंदर अंदर अब जो है वो जो है कि 40 इंची में 2 सूत कम लगेगा और गैपिंग जो है वो तो 250 सूत का सरिया लगा करके मैंने ज्ञात ही कर लिया इतना इतना गैपिंग रहेगी। तो मैं अभी जो है कि उस एंगल को काट करके उसका खज भी काट करके अभी आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों अब देखिए, मैंने यहाँ पर इस एंगल को भी काट लिया, मतलब फ्रेंड्स जो 40 इंची में 2 सूत कम था ना, तो मैं किसी को नाप करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे वहाँ पर मैं टेप लगाया हूँ और यहाँ पर देखिए 40 इंची में 2 सूत कम, देखिए एकदम करेक्ट हो गया। तो दोस्तों अगर मैं इसमें का थोड़ा सा एंगल अगर कोई उठा करके मैं अभी आपको पहना करके दिखाऊँ कि हो जा रहा है कि नहीं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वहाँ पर जो है गैप वहाँ पर मैंने कर लिया है और उसका खच भी काट दिया है। देखिए फ्रेंड्स, और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी आप लोग फ्रेम साले ना, तो इसका ये कोर जिससे सटा होना चाहिए, मतलब इसमें ये जो कोर है सटा होना चाहिए और इसका कोर जो है कि ये भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सटा होना चाहिए, तभी जो है कि अच्छी तरह से गोनिया में फ्रेम आपका सलेगा, क्योंकि जो ये बाहर वाला फ्रेम है उसे हमने गोनिया में ले ही लिया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सटाने के बाद यदि मैं धीरे धीरे यहाँ पर आऊँ तो ये देखिए ये पूरी तरह से बैठ गया, तो ये ऊपर का हो गया। अब नीचे का भी उसी प्रकार से एक लगा करके अभी दिखाता हूँ। तो देखिए मेरे हाथ में इंगल आ गया, अब जरा सा मैं नीचे भी लगा करके इसे दिखाऊंगा। फ्रेंड्स मैंने 4 काटा है, 2 बीच के लिए और इसके बाद अगल बगल के लिए। तो देखिए ये उधर का हो गया, फिर जब मैं इसे उधर मिला रहा हूँ तो ये देखिए ये करीब करीब आपका ये भी हो गया, ये नीचे थोड़ा सा जा रहा है, देखिए ये आपका मतलब कि ये भी हो गया, मतलब इधर का। अब फ्रेंड्स जैसे कि अब जो है कि ये तो अगल बगल का हो गया, तो इसके बाद फ्रेंड्स जैसे इसके बीच में, इसके बीच में जो लगाना होता है फ्रेंड्स, तो जैसे कि एंगल को कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है कि जैसे एंगल को कुछ इस प्रकार से करके, चूंकि मुझे चादर भरना है तो इस एंगल को कुछ इस प्रकार से आकार दे करके, मतलब कुछ ये आकार दे करके फ्रेंड्स इसके बाद जो है इसमें बराबर दूरी बांट करके, मतलब उधर से नाप करके इधर तक जितनी भी दूरी आएगी फ्रेंड्स एकदम बीचों बीच नाप करके आप जो है कि इसकी दूरी कुछ इस प्रकार से इसके अंदर लगाया जाता है। मतलब देखिए एक कुछ इस प्रकार से, अभी तो जोड़ा नहीं हूँ तो मतलब समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि देखिए मैं थोड़ा सा दूर होकर बता दे रहा हूँ कि देखिए बरोबर दूरी नाप करके उधर से और उधर से बरोबर दूरी नाप करके फ्रेंड्स इसे बीचों बीच जैसे कि जोड़ा जाता है और चादर ताकि जैसे कि एक पलटा का चादर जैसे कि इधर जो जोड़ा जाए, मतलब इसमें भर जाए और एक और का चादर जो है कि इसमें इस तरह से भर जाए, कुछ इस प्रकार से आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब इसी प्रकार से किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आप तो समझ गए कि इसके बीच की दूरी कैसे ली जाती है। इसके बीच की दूरी का लेने का तरीका ये फ्रेंड्स कि इधर का पहले 2.5 सूट डाल लीजिए, इधर 2.5 सूट डाल लीजिए, उसके बाद जो है कि इसके बीच की दूरी नाप लीजिए, जितनी भी दूरी आएगी वही एंगल काटिए, तो आपका जैसे बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाया हूँ फ्रेंड्स, कोई तामझाम नहीं किया, ये बिगनर लोगों के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। और अगर कब्जा डालना होता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए अगर कब्जा अगर आप लगा रहे हैं तो जैसे कि अगर इस साइड कब्जा लगा रहे हैं तो इस ओर दूरी कब्जा के हिसाब से ले लीजिए, या फिर अगर इस ओर आ रहा है पला तो इस ओर कब्जा के हिसाब से ले लीजिए। और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं क्या करता हूँ कि इसे पूरी तरह से जोड़ करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि अब चादर कैसे नाप कर काटी जाएगी और कैसे पटरी से इसे चादर को डाल करके कैसे दबाया जाएगा, वो सब बताऊंगा वीडियो में, आप लोग बने रहिए। उसके बाद फ्रेंड्स एक बात और बता दूं कि जब आप लोग पल्ला सालने के लिए जब आप लोग फ्रेम में डालते हैं तो पहले एक बात ध्यान रखिए कि ये जो फ्रेम हो वो पूरी तरह से बरोबर जगह पर हो, यानी कि ऐसा ना हो कि एक ओर का उठा हुआ भाग हो और एक ओर का दबा हुआ, तो आपका पल्ला क्या हो जाएगा कि बैंड हो जाएगा। बाद में आप लोग कहते हैं कि भैया मेरा पल्ला बैंड हो जाता है, तो ये इसी कारण होता है फ्रेंड्स कि जब आप लोग ध्यान नहीं देते कि जैसे कि इधर का खालो है किधर का ऊंचा, तो आप लोग लेबल पाइप लगा करके भी आप लोग देख सकते हैं और पूरा बरोबर हो, उसके बाद ही आप लोग जैसे कि पल्ला का फ्रेम बने तब वो बैंड नहीं होगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको मैं अभी बांध लेता हूं। तो दोस्तों अब देखिए अब यहां पर मैंने पल्ला भी इसमें का बना दिया, मैं जरा सा इसे उठाकर भी दिखा दूं यदि आपको, ये देखिए ये मैंने इसके अंदर का जो पल्ला लगेगा खुलने बंद करने वाला उसे भी मैंने अब लगा करके अब जोड़ दिया। देखिए सब कुछ देखिए कंप्लीट हो गया, मतलब कि ये जो पल्ला है उसी तरह से मैंने चिपका करके जैसे लगाया था, तो ये देखिए ये आपका पल्ला तैयार हो गया। और इसकी दूरी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये जो है कि बराबर दूरी पर मैंने बांटा है। अगर मैं टेप से भी नाप के आपको दिखा दूँ तो देखिए अगर मैं यहाँ पर टेप लगा रहा हूँ तो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, तो ये देखिए करीब करीब 41 इंची में 1 सूत कम के आसपास आ रहा है, 1 सूत क्या 1.5 सूत के आसपास कम आ रहा है। देखिए अब अगर थोड़ा सा मैं उधर भी लगा दूँ अगर, तो यहाँ से मैंने टेप लगाया और यहाँ पर जब मैं लगा रहा हूँ तो ये देखिए ये भी 41 इंची में 1.5 सूट कम के आसपास आ रहा है, यानी कि फ्रेंड्स लगभग ये देखिए 41 इंची में 1.5 सूट कम, यानी कि फ्रेंड्स जितनी जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी भी है, मतलब दोनों खाना मैंने बराबर काट लिया है।
अब फ्रेंड्स ये हो जाने के बाद अब बारी आती है उस चादर की। चादर को भी काटने के लिए इसकी दूरी नापूंगा, जितनी इसके अंदर अंदर दूरी आएगी उसमें आधा आधा इंची लंबाई चौड़ाई में कम काटूंगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जितनी भी चौड़ाई आएगी उसमें आधा इंची कम, और यहाँ से यहाँ तक जितनी आएगी उसमें भी आधा इंची कम। वो इसलिए काटा जाता है फ्रेंड्स कि ताकि स्मूथली इसमें चादर बैठ जाए। एकदम एक्यूरेट काट देंगे तो पता चलेगा कि कहीं हथौड़ी से मार करके बैठाना पड़ेगा, इसलिए आधा आधा इंची कम से कम कम काटा जाता है, ताकि दो दो सूत दोनों ओर दूरी बराबर बांट करके फिर पौना इंची पटरी से इसे दबाया जा सके। तो चलिए अभी मैं चादर को काट देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है फ्रेंड्स, लेकिन इत्मीनान से आप लोग देखिए। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो चादर काटी है, जहाँ पर एक ये है और एक मैंने इस गेट में भी डाल लिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए मैंने एक चादर पहना लिया और इसमें अभी डालूंगा, और एक चादर देखिए वो है। थोड़ा सा मैं दिखा देना चाहता था कि देखिए चादर किस तरह से है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे जो है कि मार्किंग मार करके काट करके इसमें डाल लिया। अब जो है कि उसे भी उठा करके इसमें डाल लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बताता हूँ कि वो पौना इंची की पटरी, मतलब वो वाली पटरी, इसको दबाने के लिए किस तरह से काटी जाएगी। बहुत ईजी तरीके में बताऊँगा, आप लोग बने रहें। तो दोस्तों अब आप देखिए मैंने इसमें जो है कि चादर को अब डाल लिया है। अब बारी आती है दोस्तों इसमें पट्टी डालने की, मतलब जो पट्टी होती है ना पौना इंची की, ये वाली, मतलब कि ये जो है कि इसे इस तरह से अब दबाया जाएगा। दोस्तों इस तरह से दबाने का मतलब ये कि चादर जो है बहुत अच्छी तरह से दब जाता है और निकलता नहीं है। तो दोस्तों अब इसे पट्टी काटने की बारी आती थी। सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न उठेगा फ्रेंड्स कि पट्टी में पहले अगल बगल का इस तरह से काटूं या फिर ऐसे काटूं, किधर से काटूं। देखिए फ्रेंड्स किसी भी ओर का काटिए पहले, जैसे कि उस ओर का आप चारों काट लीजिए फिर उसके साइड का काटिए। तो मैंने फैसला लिया कि पहले मैं इधर का काटूंगा, पहले ये काटूंगा फिर दाहिने बाएं का जो साइड साइड का है वो काटूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स उसके लिए नापने के लिए सबसे पहले जब ये पहली वाली पट्टी काटते हैं ना, तो पहले इसे फुल साइज ले लेते हैं इसके अंदर से। इसके अंदर से घिंचते घिंचते हम लोग पूरा ये हाथ तक आएंगे, देखेंगे कि कितनी दूरी आ रही है। तो चलिए मैं टेप को पहले पूरा खोल लेता हूँ और देखिए मैं उसके अंदर लगाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके अंदर लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 40 इंची में दो सूत कम आ रहा है। देखिए 40 इंची में दो सूत कम आ रहा है, यानी कि हम लोग जो है कि ये वाली जो पट्टी काटेंगे एक दो और फिर इसके बगल में जो है कि ये तीन और फिर उसके बाद वो चार, तो वो चारों जैसे कि 40 इंची में दो सूत कम काटेंगे। तो चलिए पहले मैं उसे काट लेता हूँ, इसके बाद जो है आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जैसे कि पट्टी को काट लिया है, ये चारों पट्टी मैंने काट लिया और सीधा भी कर लिया। तो अगर मैं आपको नाप कर भी दिखा दूं यहाँ से टेप से, तो ये देखिए ये आपका 40 इंची में दो सूत कम है। अगर मैं इसे पहना दूं तो आप लोग देखिए यहाँ पर मैं इसे पहना रहा हूँ, तो ये देखिए ये आपका करीब बराबर आ गया, देखिए आ गया ना एकदम चौचक ये। अब फ्रेंड्स अब जो है कि इसे हम लोग पहले इधर का पहना लेते हैं। अब दोस्तों जब हम लोग क्या करते हैं कि इधर की पट्टी जैसे जब काट लेते हैं, तब फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसे पहना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए काटने के बाद अब मैं जैसे कि सभी को पहना लूंगा, एक ही साइड से हो गया, एक ही साइड से हो गया, ठीक। अब फिर फ्रेंड्स इसके बाद एक बगल का ये वाला इस साइड से हो गया, ठीक। अब आप लोग देखिए कि ये चारों जो है कि पट्टी मैंने डाल लिया। तो अब दोस्तों जो अगल बगल की जो पट्टी आपको काटनी होगी, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप क्या करना होगा कि देखिए अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पट्टी मैंने लगा दिया है और इधर भी पट्टी लगा दिया है। तो ये वाली जो पट्टी कटेगी ना, तो इसके अंदर अंदर हम नापेंगे, मतलब इस पट्टी के अंदर से यहाँ पर टेप लगा करके घींचते हुए यहाँ पर जाएंगे कि कितनी आ रही है। तो मैं अभी घींच करके इसे थोड़ा सा खोल करके नाप के दिखाता हूँ। देखिए मैंने उसके अंदर उस साइड लगा दिया, ठीक वहां पर। तो अब मैं अगर यहाँ पर आ रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं पा रहा हूँ कि ये करीब करीब कितना आ रहा है। ये आपका आ रहा है 29 इंची में दो सूत कम, ये आपको नजर आ रहा है 29 इंची में दो सूत कम। तो अब फ्रेंड्स ये जो पट्टी कटेगी ये 29 इंची में दो सूत कम कटेगी। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये पट्टी भी काट लिया, मतलब ये कितनी थी 29 इंची में दो सूत कम। तो मैं जरा टेप से भी नाप कर आपको दिखा दूं कि 29 इंची में दो सूत कम है कि नहीं। तो ये देखिए 29 इंची में दो सूत कम है, ठीक है। तो अब जरा मैं इसे वहां पर लगा करके भी आपको दिखा देता हूँ, नापा था ना देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि लगा करके दिखा देता हूँ, देखिए उसके अंदर अंदर मैंने नापा था।
तो ये देखिए आपका कैसे बैठ गया, यानी कि देखिए ये यहाँ पर भी इसके अंदर ठीक लेवल में बैठ गया और यहाँ पर भी देखिए ये ठीक इसके लेवल में बैठ गया। तो दोस्तों इसी तरह से जैसे कि सारी पट्टी उन सभी को पहनाऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले अब क्या करना है, चूंकि ये पट्टी तो हमने चारों काट लिया अगल बगल का और चार ठो जैसे कि दाएं बाएं का भी काट लिया, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको वेल्डिंग मारेंगे। और इसको वेल्डिंग मारने के लिए फ्रेंड्स आप जैसे किसी हथौड़ी का प्रयोग कर सकते हैं चादर को दबाने के लिए। जैसे ये देखिए बाहर ये हथौड़ी रखी हुई है, मैं अभी आपको नाप दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से करके फ्रेंड्स इसे जैसे इस पट्टी को ना यहाँ पर खूब जोर से दबाया जाता है जहाँ पर भी वेल्डिंग मारा जाता है, कुछ इस प्रकार से देखिए कुछ दबाया जाता है और फिर इसके बाद वेल्डिंग मारा जाता है। और फ्रेंड्स चादर को दबाने के लिए दो व्यक्ति का होना जरूरी है, एक व्यक्ति वेल्डिंग मारने के लिए और एक व्यक्ति जैसे कि इसे इस तरह से दबाया रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जितना ही अच्छे से दबाएगा उतनी ही अच्छे से ये जो चादर है अंदर दबेगी, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब चूंकि मैं जो है कि इसे अकेले ही आप लोगों को दबा करके और जैसे यहाँ पर वेल्डिंग करके दिखाऊंगा, तो लाइव मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं चादर को दबाता हूँ। पहले ये जो है कि ये वाली और इसके बाद ये जो है कि साइड साइड वाली पहले पट्टी में वेल्डिंग कर लूंगा, उसके बाद जो है कि अगल बगल वाली पट्टी जो है कि वेल्डिंग करूंगा। तो चलिए वेल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक हाथ में हथौड़ी ले करके और दूसरे हाथ से जो है कि यहाँ पर वेल्डिंग कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो है कि पटरी को हथौड़ी से इसलिए दबाया जाता है ताकि इसके नीचे जो हम लोगों ने चादर रखी है अगर जो है कि पटरी के साथ जब मैं दबाऊंगा तो जैसे कि वो चादर जो है कि वो निचले वाले एंगल के फेस में जो है अच्छी तरह से चिपक जाएगी। और फ्रेंड्स इसे दबाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो फ्रेंड्स मैं अकेले ही जैसे कि रिकॉर्ड करता हूँ, सब कुछ मैं अकेले ही करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अकेले दबा भी रहा हूँ और जो है कि इसे वेल्डिंग भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से जो है कि सारी पटरी वेल्ड हो जाएगी और जो है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि पटरी को किस तरह से वेल्ड किया जाता है। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं पर कट करूंगा, क्योंकि अगर मैं सारी पटरी अगर आपको जैसे कि वेल्ड करके दिखाऊं तो वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी बनेगी, मतलब समझना आपको काफ़ी है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए कि नहीं हाँ इसी तरह से दबा दबा करके चादर को दबाया जाता है और वेल्डिंग किया जाता है। तो चलिए यहाँ से अब मैं वीडियो को कट कर देता हूँ और आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग देखिए मैंने यहाँ पर वेल्डिंग मार दिया, मतलब अब इस चादर को दबा दिया, यानी कि देखिए 1.25 इंची पटरी का चारों तरफ से मैंने वेल्डिंग मार के दबा दिया। और यही फ्रेंड्स तरीका होता है अच्छी तरह से चादर को दबाने का, कुछ लोग अलग तरीके से दबाते हैं फ्रेंड्स, बगल में चादर की पट्टी लगा कर दबाते हैं तो वो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप कुछ इस प्रकार से जो है कि पट्टी से अगर दबा देते हैं तो यह दब जाता है, फिर बगल में भी आप लोग चाहें तो इस चादर पर भी वेल्डिंग मार देंगे तो यह फंस जाएगा, तो अच्छी तरह से हो जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से चादर लगा है, मतलब ये आपका जो पल्ला है वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गया। अब इसमें काम क्या है, अब मान लीजिए कि इधर जो है कि कब्जा लगेगा और इधर जो है कि हैंडराफ लगेगा, ठीक है। तो वो चूंकि मैं कब्जा तो पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कब्जा नहीं लगाने वाला हूँ, इसको कुछ नए तरीके से यहाँ पर पिन पर झुलाने वाला हूँ। तो दोस्तों पिन पर झुलाने से पहले अब मैं क्या करूँगा कि देखिए पल्ला में यहाँ पिन लगाने के से पहले ये जो पटरी है ना इसको उधर से मतलब कि डाल दूंगा, मतलब कि ये जो पल्ला मैं डाला हूँ ना उस पटा से जैसे एंगल की उस पटा कुछ इस प्रकार से पट्टी में डालूंगा। अब आप कहेंगे कि भाई उस पटा से जैसे इस पट्टी को डाल करके फिर आप पल्ला को क्यों सेट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इस समय देखिए ये पल्ला जो लगा हुआ है ना ये पूरी तरह से सटा हुआ है इस एंगल में, मतलब इस एंगल के इधर वाले फेस में सटा हुआ है। तो जाहिर से बात है फ्रेंड्स अगर इस पर पिन लगा देंगे ना तो जब क्लाइंट दरवाजा बंद करेंगे तो वो जो कोर होता है इस एंगल वाला का वो जैसे सामने वाले में से हल्का हल्का रगड़ाएगा, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा इसे डाल देंगे ना तो नीचे गैप बना लेगा, उसके बाद जो है कि पिन लगाएंगे ना तो वो अच्छी तरह से बंद होगा और खुलेगा। तो फ्रेंड्स एक जैसे कि यहां पर डालूंगा और एक ऐसे ही पट्टी जैसे यहां पर बीच में डालूंगा और एक जैसे कि यहां पर भी डालूंगा, मतलब कि यहां पर किनारे पर, मतलब तीन पट्टी फ्रेंड्स इस फेस में डाला जाएगा। देखिए यहां पर मतलब कि इस वाले हिस्से पर यहां पर कुछ इस प्रकार से डाला जाएगा, फिर जैसे कि इस पल्ला को रख करके पिन को लगाया जाएगा। तो दोस्तों अब जैसे पल्ला पूरा सेट करने के बाद आप लोग को अब मैं बताऊंगा कि पिन कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। तो
पिन फ्रेंड्स सेट करने से पहले जैसे इसकी पर्याप्त गैपिंग जो है आप लोग जांच लें कि जैसे पल्ला में जितनी हमें गैपिंग अगल बगल चाहिए उतनी गैपिंग है कि नहीं। गैपिंग देने के बाद फ्रेंड्स जो ऊपर सेट करना होता है उसके लिए फ्रेंड्स आपको चाहिए 5 सूत का हैंड्रॉप वाला सरिया, इसके बाद आपको एक कुंडी चाहिए। कुंडी वो जैसे कि मान लीजिए जो 5 सूत का होता है ना तो इसमें हल जाता है, तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हल गया आसानी से, तो ये। और इसके बाद जैसे कि एक जैसे पौना इंची पटरी की बनी बनाई बुश जो होता है मुनरी जिसे बोलते हैं ना वो चाहिए फ्रेंड्स। तीन चीज ऊपर चाहिए ठीक है। और फ्रेंड्स उसी तरह से नीचे सेट करने के लिए आपको चाहिए एक 5 सूत की सरिया और एक चाहिए जो चैनल की पट्टी नहीं होती है 3 सूत मोटी जैसे कि वो 3 इंची जैसे यहां से यहां तक है और ये तो 2 इंची इस तरह से होती है, मतलब ये कि ये चाहिए। और इसके बाद चाहिए आपको एक नीचे का बुश फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि पिन कैसे सेट किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर हमने पट्टी डाल रखी है जो अभी कुछ देर पहले आपको बताया था ना, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, शायद वो देखिए अंदर जो है वो पट्टी मैंने डाल रखी है, यानी कि अब मैंने पट्टी डाल रखी है कि ये थोड़ा सा जैसे ये पल्ला का जगह छोड़ दे। अब जो क्या है कि मैं आपको सिखाता हूं कि जैसे कि अब पिन पर आप कैसे सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको ऊपर का सेटिंग करना बताता हूं। ये फ्रेंड्स जो आपको छड़ थोड़ा सा चमकता नजर आ रहा है ये 5 सूत का छड़ है, जैसे ये थोड़ी हैवी में है, जैसे आप लोग हैंड्रॉप वाला ही छड़ यूज कीजिएगा। ये मेरे पास एक टुकड़ा था तो मैं इसी को ले रहा हूं। तो चलिए मैं सेट करता हूं। तो दोस्तों अब उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले ये जो मुनरी आपके हाथ में है सबसे पहले इसे कुछ इस प्रकार से यहां पर रख करके एक पहले स्केच से मार्किंग मार लेनी है ठीक है। अब ये मार्किंग क्यों मार रहा हूं वो आपको बताऊंगा। देखिए अब इसके बाद क्या करना है कि इस पिन में जैसे कि इस कुंडी को घुसा लेना है कुछ इस प्रकार से, और ध्यान देना है कि ये जैसे जब आप सेट करेंगे तो ये जैसे मार्किंग है वो थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकलना रहना चाहिए, जैसे नजर आना चाहिए। और फिर जो है कि इसके फेस पर ये रखा जाएगा, मतलब पल्ला वाला फेस पर कुछ इस प्रकार से। देखिए अब मैंने रख दिया और आप लोग देख रहे हैं कि कुंडी यहाँ पर इस तरह से लग जाने के बाद ये देखिए आपकी मार्किंग इधर नजर आ रही है, मतलब उतना बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद जो है कि हमें क्या करना है कि इस पल्ले के ऊपर जैसे कि इसे जैसे सेट करना है। और फ्रेंड्स सेट करने के बाद जैसे कि आप लोगों को एक बात मैं चेता दूं कि ये जो छड़ सेट किया जाता है मतलब वेल्डिंग किया जाता है वो सिर्फ पल्ला में किया जाता है, इधर जो है कि छड़ कहीं वेल्डिंग नहीं किया जाता है, वरना आपका पल्ला जैसे जाम हो जाएगा। अब फिर इसके बाद फ्रेंड्स ये जो कुंडी है जो मैंने डाला हूं इस कुंडी को जो है कि इसमें सेट किया जाएगा, मतलब कि इसमें वेल्ड कर दिया जाएगा इस एंगल में। और इसके बाद बाहर से जो है कि ये हैंड्रॉप वाली जो मुनरी है ना इस प्रकार से लगा करके यहां पर जैसे इसे वेल्डिंग कर दिया जाएगा ताकि जो है कि ये अच्छी तरह से आपका क्या हो जाए, मतलब कि सेट हो जाए। तो चलिए अब जैसे कि मैं इसे सेट करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मैं अभी इसे वेल्ड करके आपको दिखाता हूं। और फ्रेंड्स जैसे वेल्डिंग करने से पहले जैसे इसे खूब अच्छी तरह से इसे बैठा लेना कुछ इस प्रकार से, ध्यान रहे कि ये इतना बाहर निकलना चाहिए ताकि जैसे कि जब मुनरी ना आए तो ये जैसे अच्छी तरह से सेट हो जाए, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने वहां पर दागी मारा था। तो अब देखिए मैं इसे वेल्डिंग करता हूं। तो वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि आप हल्का हल्का पहले टाक लीजिए थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए अब मैंने इसे यहां टाक लिया। इसके बाद देखिए अब मैं क्या करूंगा कि इस कुंडी को कुछ इस प्रकार से रख करके यहां पर जैसे यहां पर टाक लूंगा कुछ इस कुंडी को, देखिए यहां पर ये देखिए यहाँ पर टक लिया, मतलब कि ये जो हिस्सा है कुछ इस प्रकार से इसमें हो गया। और ध्यान रहे कि जैसे इस छड़ को इधर कहीं नहीं वेल्डिंग माना है। अब फिर इसके बाद क्या करना है कि इस मुनरी को लेकर के मतलब इसके ऊपर चढ़ा करके इसे भी थोड़ा सा यहाँ पर टाक लेना है कुछ इस प्रकार से, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जैसे ऊपर की सेटिंग आपकी हो गई। और फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले ये जो ये पल्ला में लगा हुआ है ये कुंडी, पहले मैं इसे पूरी तरह से वेल्डिंग मार लूंगा नीचे से। आप लोग ध्यान से देखिए कुछ इस प्रकार से, इधर से अब वेल्डिंग करने के बाद फ्रेंड्स अब देखिए जैसे इधर से अब हो गया एक ओर से, तो अब मैं इधर से भी वेल्डिंग करूंगा कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों अब जैसे कि आप देखिए मैंने जो है कि यहाँ पर छड़ को जो है कि अगल बगल से वेल्डिंग मार दिया है। अब जो है कि ये जो है मुनरी वाली हिस्सा मतलब कुंडी वाली, अब इसे भी मैं विधिवत से वेल्डिंग कर दूंगा, इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा।
तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब ये ऊपर का जैसे कि हो गया, यानी कि ऊपर की सेटिंग मैंने कर ली। अब मैं आपको नीचे की सेटिंग बताऊंगा। तो दोस्तों अब नीचे की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए ये अपने हाथ में ले लीजिए, और दोस्तों ये चूंकि इधर से 3 इंची है ना, तो इसे कुछ इस प्रकार से रखना है, कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ से कुछ दूरी पर रखना, और कितनी दूरी पर रखना है मैं आपको नाप करके दिखा देता हूँ। करीब करीब इसे आप लोग जैसे ना 1.5 इंची से लेकर के 2 इंची तक रखिएगा कम से कम, जैसे कि 2 इंची से बेसी ना हो, मतलब कि कम ही हो। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इसे रख रहा हूँ कितना, 2 इंची में 2 सूत कम, मतलब 2 इंची में 2 सूत कम पर रख रहा हूँ, और यहीं पर जैसे कि इसे टाकूंगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, और इसे टाकते समय फ्रेंड्स ध्यान रहे कि पूरा बरोबर होना चाहिए, मतलब टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे जैसे कुछ इस प्रकार से हम लोग जैसे सीधा करके जैसे पहले टाक लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि हमने इसे क्या किया कि इसे टाक दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 5 सूत की जो छड़ है, इसमें जैसे कि हम लोग इस मुनरी को लगा करके इसमें लगाएंगे, ताकि जो है कि फ्रेंड्स ये पल्ला जो है इधर उधर भागे ना, इसीलिए फ्रेंड्स इस मुनरी को इसमें लगाया जाता है। और लगाने से पहले फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि इसको कुछ इस प्रकार से ले जाकर यहाँ तक सटाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आप तो जानते हैं कि ऊपर हमने गैप दे दिया। अगर मान लीजिए अगर इसे मैं पूरा सटाऊंगा नहीं, अगर इतना पर ही कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स अगर वेल्डिंग करूंगा तो जो पल्ला क्लाइंट अगर झुलाएगा तो ये पता चलेगा कि पल्ला ही पूरा नीचे सर किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स जब भी आपको लगाना है तो इसे पूरी सटा कर लगाना है, और लगाने से पहले फ्रेंड्स इस मुनरी को इसमें डाल लेना है। आप लोगों को नजर आ रहा है ये मुनरी, इसमें डाल लेना है। डालने के बाद फ्रेंड्स जो है कि क्या करना है कि आपको जैसे कि कुछ इसे इस प्रकार से लगा देना, और ये सटा होना चाहिए। फिर इसके बाद आप क्या करें कि इस मुनरी को जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना कि ये हिस्सा सटा है, तो पहले आप लोग इधर टाक ले में, मतलब इधर जैसे कि पूरी बराबर दूरी देख करके पहले टाक ले में कि ये बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो जैसे करके मैं पहले यहाँ पर टाक लेता हूँ। फ्रेंड्स कोई बहुत बड़ी काम नहीं करना है, बहुत हल्का काम है फ्रेंड्स। देखिए अब उधर का हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इसमें लगा करके यहाँ पर जैसे कि हम लोग यहाँ टाक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पर टाक लिया, और जैसे कि एंड्राफ की मुनरी जो यहाँ पर टाक लिया, और यहाँ भी फ्रेंड्स जैसे इस पल्ला में जैसे हम वेल्डिंग करेंगे इस कुंडी को, लेकिन इधर इस कुंडी को कहीं भी नहीं मारेंगे। और जो है कि अब देखिए ये हो गया ना सेट। अब हम क्या करेंगे कि इसे खूब अच्छी तरह से वेल्डिंग कर लेंगे, फिर इसके बाद इसे भी वेल्डिंग कर लेंगे, और इसे भी अगल बगल से सिर्फ वेल्डिंग कर लेंगे। तो ये जो है कि क्या होगा कि आपका जैसे पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा, यानी कि अब इसमें और कुछ करना ही नहीं होगा फ्रेंड्स, यानी कि ये हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग समझ गए होंगे कि नहीं इसी तरह से सेट किया जाता है। तो मैं जो है कि इसे अब वेल्डिंग कर लेता हूँ, वेल्डिंग करके फिर आपको खोल के बंद करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए मैंने इसे इधर से भी वेल्डिंग कर दिया है, मतलब यहाँ पर जो पिन लगाया हूँ इसमें सिर्फ पल्ला में वेल्डिंग किया हूँ, और यहाँ पर जैसे पूरी तरह से स्वतंत्र है। और फ्रेंड्स इधर से भी मैंने वेल्डिंग कर दिया है, और देखिए इधर से भी मैंने इसको भी बहुत व्यवस्थित तरीके से बहुत चौचक इसे वेल्डिंग कर दिया है, मतलब कि जितना भी ये पल्ला का भार रहेगा वो इसी पट्टी पर रहेगा फ्रेंड्स। तो जैसे नीचे का तो ये हो गया, अब जैसे ऊपर का भी आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने लगा दिया है, ये कुंडी लगी हुई है, और इसे भी मैंने विधवत से पूरी वेल्डिंग कर दिया है फ्रेंड्स। और जैसे कि अभी ये देख रहे हैं कि ये जैसे कि इधर भी मैंने वेल्डिंग कर दिया है, और इस पटा से भी देखिए यहां पर भी मैंने वेल्डिंग कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से पकड़ ले। तो अब ये फ्रेंड्स अब हो चुका है, अब जरा मैं इसे खोलकर भी आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा मैं कैमरा को यहां पर रखूंगा, इसके बाद जरा सा मैं पल्ला आपको खोलकर भी दिखा दूं। तो यहां पर देखिए इधर फ्रेंड्स जो है कि हैंड्राफ उंड्राफ लगेगा, वो तो मैं बाद में लगाऊंगा, अब पहले मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरह से ये पल्ला खुल रहा है और बंद हो रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। इसमें जो है कि सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है, अब जो है कि इसमें हैंडल और हैंड्राफ लगाना है, तो वो तो फ्रेंड्स मैं बाद में सेटिंग करूंगा, और उसके बारे में भी फ्रेंड्स मैं किसी और वीडियो में जैसे चर्चा करूंगा कि यदि आप कोई गेट बनाते हैं तो उसमें हैंडल हैंड्राफ किस तरह से सेट करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैंने उसकी जानकारी इसमें नहीं दी, वो जानकारी किसी और वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।